इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। मैं डॉक्टर संजय शर्मा रजीपत हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे सहपाठी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी। आज वर्ल्ड आईबीडी डे है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जो कि दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल की जो खाद्य जो प्रगति है ये चेंज हो रही है। इंडिया फॉलो कर रहा है अमेरिका को और अमेरिका फॉलो कर रहा है इंडिया को। इंडिया में बर्गर का, पिज्जा का प्रचलन बहुत हो रहा है और इसमें प्रिजर्वेटिव जो ऐड किए जाते हैं ये मुख्य कारण बताया जा रहा है जो बढ़ रही है अब आईबीडी इंडिया। और इसको बदलने के लिए अमेरिका में उल्टा हो रहा है, वो अब फ्रेश खाना खा रहे हैं और प्रिजर्वेटिव जो यूज करते हैं उनको यूज करना बंद कर दिया। तो अब चूंकि ये उभरता हुआ कारण है, इसके साथ साथ में जैसे हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, अगर वो कम होता है तो डेफिनेटली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो डिसीज की वो कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इसके अलावा दवाइयों का इसमें जो रोल है वो ये है, वो चलती ही रहती है यूजुअली लाइफ लॉन्ग। कुछ लोगों में बहुत कम परसेंटेज होता है इसमें लाइफ में ये जाके बंद हो जाए 4-5 साल बाद। कुछ लोगों में इसमें ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। अब कुछ दवाइयां आई हैं जिसमें इन्फ्लिक्सिमैब या एडाजिमैब होती हैं। ये दवाइयों से कई बार 3 महीने में हर बार इंजेक्शन देते हैं तो 2-3 साल में कई बार ये बीमारी खत्म या कम होने की संभावना होती है। डॉक्टर बचाव, देखिए मैंने आपको बताया, एक तो प्रिजर्वेटिव नहीं देना। हम लोग दूध खा लेते हैं काफी यहाँ पे, अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो दूध अवॉइड करके दही लेना चाहिए, मठा लेना चाहिए, रादर देन कि हम दही दूध लेते ही थे। और साथ में स्ट्रेस फैक्टर्स जितने भी होते हैं उसको कम करके और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, इससे डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज पे फर्क। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी है, मैं डॉक्टर संजय शर्मा जी के साथ यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि एक बीमारी होती है हमारी आंतों की सूजन, जिसको इंग्लिश के अंदर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब खराब बीमारी होती है जिसमें मरीज को बहुत परेशानियाँ होती हैं, जैसे पोटी के साथ ब्लड आना, मवाद आना, बार बार पोटी जाना, पेट में दर्द होना, हाथ पैर में सूजन आना, आँखें लाल हो जाना। तो ऐसा किसी बीमार मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी से। देखो बचने के लिए सुझाव बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज कर लें तो इस बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जैसे आप जैसे छोटे बच्चों में बहुत जल्दी से एंटीबायोटिक नहीं लगवाएं, उनको बहुत ज्यादा सैनिटाइज नहीं करें, हर बार उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, थोड़ा बच्चों को खेलने दें, धूल मिट्टी में भी खेलने दें, तो छोटे छोटे जो हमारे आंतों के इन्फेक्शन होते हैं वो हमें इस बीमारी से बचाते हैं, क्योंकि एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है, छोटे मोटे इन्फेक्शन बच्चों के अंदर नहीं लगेंगे, सिंपल खांसी जुकाम, तो ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। नहीं, डायपर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है ना, डायपर कैसे लेना देना कुछ नहीं, डायपर से रेशेज हो जाते हैं। विटामिन डी की अगर किसी पेशेंट को अच्छी मात्रा दी जाए तो थोड़ा सा इस बीमारी का जो खतरनाक रोल है वो कम हो जाता है, विटामिन डी थोड़ा सा सेफ्टी करता है इसमें। बाकी जैसे सर ने बताया कि आप कर्ड लें अच्छी मात्रा में, तो कर्ड के अंदर जो जीवाणु होते हैं हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, तो उससे भी इस बीमारी से थोड़ा सा बचाया जा सकता है। और बाकी बहुत ज्यादा कुछ विशेष बचाव नहीं है, जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर केस में माँ बाप से आनुवंशिक जो हमें जीन्स मिलते हैं उसकी वजह से ज्यादातर केस में होता है।